हाँ जी, तो जेनेटिक बैलेंस थ्योरी सीबी ब्रिजेस, सीबी ब्रिजेस ने दी थी। क्या है जेनेटिक बैलेंस थ्योरी? ये वाला तो मुझे भी नहीं पता। यहां पर बताया कि वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता है ड्रोसोफिला में सेक्स डिटरमिनेशन में। अल्टीमेटली जो रेशियो होता है बिटवीन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड सेट ऑफ ऑटोसोम वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द फ्लाई। सर वो ये वाला है जो एक्स बाय ऑटोसोम का रेशियो था इंटरसेक्स वाला, सुपर मेल सुपर फीमेल। अब बताएं कि याद तो आ रहा था कि अब बताएं फीमेल हेटरोगेमिटी का एग्जांपल बर्ड्स होती हैं फीमेल हेटरोगेमिटी का, बटरफ्लाई भी होंगी क्या? बटरफ्लाई सर बटरफ्लाई तो नहीं, बटरफ्लाई तो नहीं। बिल्कुल बटरफ्लाई भी है यहाँ पर, जेड ओ जेड जेड टाइप होता है ना, जबकि वहां पर बर्ड्स में जेड डब्ल्यू जेड जेड होता है। सर बटरफ्लाई में आपने क्या बताया? जेड ओ जेड जेड। ओके सर। तो फीमेल जो है दो टाइप के एग प्रोड्यूस करती है, ए प्लस जेड और ए प्लस ओ। यस सर। ठीक है, तो जो पहले आता है वो मतलब जैसे एक्स 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 वाई होता है ना, और ऐसे मतलब यस सर। पहले फीमेल फिर मेल की बात होती है, तो वैसे जेड डब्ल्यू और जेड जेड है और जेड और जेड जेड है। ठीक है, अब यहाँ पर मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात आ जाती है। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं उसमें हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस आता है। कलर ब्लाइंडनेस के केस में अगर हमारे पास करियर वुमेन है और कलर ब्लाइंड मैन है, आई रिपीट कलर ब्लाइंड का केस, कलर ब्लाइंडनेस का केस है और इसमें हमारे पास करियर वुमेन है, ठीक है, यानी एक्स सी एक्स, और कलर ब्लाइंड मैन है यानी कि एक्स सी वाई, तो यहाँ पर कितने परसेंट ऑफ प्रोजेनी कलर ब्लाइंड होगी? 50%। ओके, यस सर 50% वो हैं कलर ब्लाइंड। और टोटल पॉपुलेशन जो कलर ब्लाइंड है उसमें से कितने परसेंट बॉय कितने परसेंट गर्ल? सर 50% 50% होगा। वेरी गुड। हीमोफीलिया की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर है या ऑटोसोमल है? सेक्स लिंक डिसऑर्डर है। अब सेक्स लिंक में एक्स लिंक है या वाई लिंक है? X-linked disorder है। अब यहाँ पर एक question है कि the incorrect statement with regard to hemophilia is, it is a recessive disease, it is a dominant disease, it is a sex-linked disease, a single protein involved in the clotting of blood is affected. So it's a dominant disease. Dominant वाला statement गलत है, recessive होता है ये। ये recessive होता है। Single protein इसमें involved जो है clotting of blood में वो affected होता है, ठीक है? वो सिंगल प्रोटीन कौन सा है? ग्लोबिन, ग्लोबिन वाला। ग्लोबिन वाला? अरे क्लॉटिंग फैक्टर की बात हो रही है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन एक्सपोज ब्लड ऑफ अफेक्टिव इंडिविजुअल फेल्स टू कोएगुलेट। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है, प्रोटीन नाम है ये। हाँ जी, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। क्रिसमस डिजीज, वो तो हीमोफीलिया को ही कहते हैं, मतलब हीमोफीलिया बी टाइप ऑफ हीमोफीलिया है। हाँ, अच्छा, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी में से कौन सा ज्यादा सीवियर होता है? सर ए वाला। ए वाला ज्यादा सीवियर होता है। वेरी गुड। नॉन ओवरलैपिंग कोडोन की बात करते हैं। नॉन ओवरलैपिंग कोडोन ये एक प्रॉपर्टी है ना जेनेटिक कोड की। यस सर। यस सर। क्या क्या मतलब है इसका? सर मतलब अगर ए, अगर शुरू के तीन कोडोन एक अमीनो एसिड बनाने में इन्वॉल्व है तो फिर हम उन तीनों का फिक्स हो गया रोल, इन तीनों में से कोई सा भी नेक्स्ट वाले पे ओवरलैप नहीं करेगा। हाँ, ओवरलैप नहीं करेगा, तीन तीन की ही यूनिट्स बनेंगी और वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करती हैं। वेरी गुड। राइबोसोम बाइंडिंग लूप कौन सा होता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, टीआरएनए की बात कर रहा हूँ। सर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला होता है। फोर्थ, फोर्थ होता है बेटा। थर्ड तो एक्स्ट्रा आर्म होती है। फर्स्ट होता है अमाइनो एसिड सिंथेटेज बाइंडिंग लूप, सेकंड होता है एंटीकोडोन, थर्ड होता है एक्स्ट्रा आर्म, फोर्थ होता है राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। सर एक्स्ट्रा आर्म वो जो छोटी से निकली रहती है लेकिन उसका फंक्शन आई थिंक फिक्स नहीं है आज तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही 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 मैं भूल गई थी। ये जो इनवर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर है, मॉडल है टीआरएनए का, ये किसने दिया था? किम, किम एंड क्लर्क, किम एंड क्लर्क। वेरी गुड। वीएनटीआर फुल फॉर्म? Variable number of tandem repeats. Good. Green revolution में हमारे पास कौन-कौन सी varieties थी जिनका use किया गया, जिनको जिनको हमने काफी ज़्यादा improve किया? Sir, wheat. Okay. Wheat, rice, maize और sugar cane.
hybrid vigor and inbreeding depression, are they opposite to each other? Yes, sir. Okay, good. Anaerobic sludge digester की बात करते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी mixture of gases बनती हैं? Methane, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड. ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में होता क्या है? और मीथेनोजेंस होते हैं यहाँ पे, तो मीथेनोजेंस तो यही बनाएंगे. Okay, these gases form biogas and it can be used as a source of energy as it is inflammable. ये तो पॉइंट्स ही आता है. Okay. Yes, sir. Ecosystem define करो. जी, abiotic और biotic जो के बीच में जो interaction होता है उसे ecosystem कहते हैं. What is a deem? What is a deem? Hello. Sir, क्या? D-E-M-E, deem. Local population. कहाँ की local population? मतलब किसी given particular area में. पर्टिकुलर एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में, पर्टिकुलर टाइम पे जो लोकल पॉपुलेशन होती है उसको डीम बोलते हैं. लिमिटेशन क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड की? सर, एक तो इसमें पैरासाइट और सैप्रोफाइट की जगह नहीं दी हुई है. और यहाँ पर हम सिंपल फूड की बात करते हैं, मतलब एक्चुअल में फूड वेब या कॉम्प्लेक्स फूड चेन एग्जिस्ट करती है. और एक ही ट्रॉपिक लेवल पे दो टाइप के भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही का ही दिखाते हैं बस इकोलॉजिकल पिरामिड में ना. यस, और उससे कुछ कुछ मतलब क्लियर पता नहीं चल पाता, उससे तो एक मिस इन्फॉर्मेशन आ जाती है. यस सर. अपराइट पिरामिड हमेशा कौन सा रहेगा? एनर्जी का. एनर्जी का या बायोमास का? सर, एनर्जी का, तो इन्वर्टेड भी हो सकता है. बायोमास इन्वर्टेड भी होता है, लेकिन एनर्जी का हमेशा अपराइट होगा. ओके, यस सर. हमेशा इन्वर्टेड किसका होगा? बायोमास, जो कि एक्वेटिक सी में होता है. नहीं, बायोमास नहीं कह सकते ना, हमेशा मैंने पूछा. ऑलवेज इन्वर्टेड किसका होगा, या किसी का नहीं होता ऐसा? तो किसी का नहीं होता ऑलवेज. तो 10% लॉ क्या है लिंडमैन का? सर, कि हर लेवल पे अभी 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है बस. ओके, बायोजियोकेमिकल साइकल्स में से अगर सेडिमेंटरी साइकिल की बात करें तो उसमें रिजर्वॉयर पूल क्या है? रॉक्स, रॉक. अर्थ क्रस्ट और लिथोस्फीयर. यस, हम कह सकते हैं अर्थ क्रस्ट और लिथोस्फीयर. इसमें कौन कौन सी साइकिल आएंगी? सर, मेनली तो फॉस्फेट आती है, लेकिन फॉस्फेट सल्फर साइकिल को भी हम डाल देते हैं. सल्फर और फॉस्फोरस साइकिल. सल्फर और फॉस्फोरस साइकिल. अब इसमें जो हाइड्रार्क सक्सेशन होता है, इसमें पायनियर कम्युनिटी के बाद जो ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आती हैं उनका सीक्वेंस बताओ. सर, पहले तो फ्लोटेड प्लांट्स आएंगे, फिर सबमर्स्ड आएंगे, फिर रीड स्वैम्प आएंगे, और फिर मार्शी मीडो वाले आएंगे, फिर स्क्रब्स आएंगे, फिर हमारे फॉरेस्ट आएंगे. नहीं 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 सर, वो स्वैम्प वाला रहेगा. नहीं नहीं, रीड स्वैम्प बोला था उसने. मैं कह रहा हूँ फॉरेस्ट बोल दिया, ये गलत है. मैंने कहा ट्रांजिशनल कम्युनिटीज का क्या ऑर्डर होगा. ओके सर, फॉरेस्ट नहीं आएंगे, वो क्लाइमेक्स है. सॉरी. यस, तो वहां पर बोल दिया ट्रांजिशनल का, और वहां पर ऑप्शन दिए होंगे फॉरेस्ट का भी, बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा. ट्रांजिशनल यानी बीच वाले ही पूछी है ना? यस सर, बीच वाले ही पूछी है. तो यहाँ पर हमारे पास, हाँ, तो फॉस्फोरस साइकिल में जो मेन सोर्स है क्या होता है? वो रॉक. रॉक्स होते हैं. मास एक्सटिंक्शन की बात करते हैं. मास एक्सटिंक्शन में अब तक कितने एपिसोड्स हो चुके हैं? मास एक्सटिंक्शन के फाइव एपिसोड हो चुके हैं, जिसमें कई बार तो आइस एज है. ओके, मेनी टाइम्स आइस एज है. लेंटाना, अगर हम एलियन स्पीशीज इन्वेजन की बात करें तो लेंटाना इसमें एग्जाम्पल आएगा क्या? यस सर. वल्नरेबल और डाटा डेफिशिएंट दोनों में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो रेड लिस्ट कैटेगरी में पहले क्या आएगा? वल्नरेबल पहले आता है. वल्नरेबल पहले आता है. डेटा डेफिशिएंट को हम बाद में देखते हैं. जब डेटा डेफिशिएंट है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, असेसमेंट ही नहीं हो सकता. का मतलब क्या है? डेटा डेफिशिएंट है या उसके बारे में, उसके बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अभी हमें पता ही नहीं है ठीक से. तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है या उसकी उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है कम है? अभी बता नहीं सकते. ठीक है, उससे ज्यादा हम वल्नरेबल पे ध्यान देंगे जो कि नियर मीडियम टर्म फ्यूचर में वो एक्सटिंक्ट हो सकता है. हाई रिस्क है उसके, यानी कि 50 से 60 साल में. ठीक है ना? और इमीडिएट फ्यूचर में जो एक्सटिंक्ट हो सकता है उसको क्या बोलेंगे?
डेंजर, क्रिटिकली डेंजर, वल्नरेबल, क्या? सर क्रिटिकली एंडेंजर्ड. क्रिटिकली, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वेरी गुड. पोल्यूटेंट की बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सोर्स बताइए. फैक्ट्रीज वगैरह, हां, ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज, स्मेल्टर्स ऑफ ओर्स, कंबशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग फ्यूल्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम. वोल्केनिक इरप्शंस भी तो होंगे सर. यस सर, वो भी है, वोल्केनिक इरप्शन भी. सर मेन तो वही है, क्योंकि सर हमारे फैक्ट्रीज से भी उतने नहीं निकल सकते जितना उधर से निकलेगा. अच्छा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इनहिबिट करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड काम करेगा या NOx या हाइड्रोकार्बन या सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब पोल्यूटेंट और उसके इफेक्ट की बात करें. सर NOx नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन है, स्टोन कैंसर है, आई इरिटेशन है, सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, फियोफाइटाइजेशन इन लाइकेंस है, येलोइंग ऑफ ताजमहल इज रिपोर्टेड टू कॉज बाय SO2 पोल्यूशन, एसिड रेन भी वही है. मथुरा रिफाइनरी की वजह से ऐसा हुआ था. तो ये जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोसेस कॉजेस द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड कॉल्ड फियोफाइटिन, व्हिच इज वन ऑफ द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ क्लोरोफिल. सो इट रिमेन पिगमेंटेड बट इज नॉट एक्टिव इन फोटोसिंथेसिस. ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है ये क्लोरोफिल का. तो लाइकेन के अंदर जो है फियोफाइटाइजेशन हो जाता है और उसकी वजह से लाइकेन वहां पर रह नहीं पाता. या ये जो प्रोसेस है, इस दौरान जो फियोफाइटिन का फॉर्मेशन होता है, ये क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, यानी कि पोल्यूटेंट्स की वजह से वहां पर इसका ब्रेकडाउन हो गया. तो जहां पर लाइकेन होते हैं वहां पर फियोफाइटाइजेशन हो जाएगा. अच्छा, विजिबल सस्पेंशन ऑफ कार्बन इज नोन एज स्मोक. यस यस सर. एंड इट मे कॉज ब्रोंकाइटिस. यस सर. ओके, अहमद खान वाला जो केस है वो किससे रिलेट करता है? सर प्लास्टिक के रिसाइक्लिंग से. प्लास्टिक से. BHC की फुल फॉर्म बता दो. किसके? BHC. बेंजीन हेक्साक्लोराइड. बेंजीन हेक्साक्लोराइड किससे कनेक्ट करता है? ये एक टाइप का तरीके का ना फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइडल, एग्रोकेमिकल है ये एक टाइप का. हाँ हाँ, ये एग्रोकेमिकल होता है, ठीक है, जो बायोसाइड्स कहलाते हैं. ठीक है, दीज आर नोन एज़ द बायोसाइड्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड कह सकते हो आप इन्हें. तो ये गैमेक्सेन है एक्चुअल में. ये गैमेक्सेन होता है. अच्छा, गुड. ओके, चिपको मूवमेंट, इट वाज इनिशिएटेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा. ओके, और अमृता देवी वाला क्या है? खेजरी ट्रीज का मतलब प्रोसेस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. तो ऐसा नहीं है कि अमृता देवी बिश्नोई से ही शुरू हुआ था ये? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और गौरा देवी. यस, ओके. क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल किस बारे में था? ओजोन लेयर डिप्लीशन. नहीं, ओजोन के लिए नहीं था, वो मॉन्टोरियल था ओजोन के लिए. क्योटो के लिए ना ग्रीन हाउस गैसेस. यस सर, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड था ये. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड था, है ना? ओके ओके. आरएनए की बात अगर हम करें तो यहाँ पर HNRNA की फुल फॉर्म बताओ. हेटरो न्यूक्लियर आरएनए. न्यूक्लियर सेल्स की लोकेशन स्पेसिस एसेंबली फेरस टिब्यूल में. UTR की फुल फॉर्म